मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, एक वो खुदा के भवन के लिए देना चाहती है मगर उसके पास नहीं है, उसका बहुत मन है। परमेश्वर तुझे, मेरी बहन, परमेश्वर तुझे कह रहा है जो तेरा बड़ा मन है, जो तेरे अंदर प्यास थी खुदा के भवन के लिए देने के लिए, उसने तेरी प्रार्थना को, तेरे मन को देखा और सुना है, और तू देगी और तुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर। जिस सिस्टर का नाम रानी है और जे महिला वाल गांव के रहने वाले हैं, और जे सिस्टर की गवाही जे बता रही कि जब सबको भवन के लिए सबको मैसेज दिया गया था कि अपना स्पेशल सीट के लिए, तो जे सिस्टर बता रहे कि इनका बहुत मन था कि जे भवन के लिए अपना स्पेशल सीट देना चाहते थे, पर जे सिस्टर बता रहे कि इनके पास जितने जे देना चाहते थे इनके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि जे सिस्टर बता रहे हैं कि इनका एक लोन था जो कि 50,000 का था और अभी उसको सिर्फ 8 महीने हुए थे, और जो बता रहे हैं कि जब इन्होंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा जब 10 महीने हो जाएंगे तो फिर आपको लोन मिल जाएगा, पर जब इन्होंने फिर से उनके पास गए और रिक्वेस्ट की कि हमें ज़रूरत है, तो उन्होंने इनका लोन पास भी कर दिया और पैसे भी आ गए। पर जैसे जी सिस्टर लेने के लिए गए तो जो इनके हस्बैंड का पैन कार्ड था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो लोन भी कैंसिल हो गया और इनका मन बहुत ही निराश हो गया जी, बहुत परेशान हो गए। और जैसे जी चाहत कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर मैं आपके भवन के लिए बोना चाहती हूँ और आप मेरे लिए इंतज़ाम कर चुके हो, मैं नहीं जानती कहाँ से और कैसे होना है, पर परमेश्वर आप सब कर सकते हो। और जैसे जी सिस्टर विश्वास करते रहे, और जब जी सिस्टर 8 मई की मीटिंग में आए और जब बता रहे कि प्रभु के दास जब प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई कि कोई बहन है जो कि इस भवन के लिए बोना चाहती है और परमेश्वर से बहुत ही ब्लेस करेगा, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। एक सिस्टर को देख रहा हूं, एक वो खुदा के भवन के लिए देना चाहती है मगर उसके पास नहीं है, उसका बहुत मन है। परमेश्वर तुझे, मेरी बहन, परमेश्वर तुझे कह रहा है जो तेरा बड़ा मन है, जो तेरे अंदर प्यास थी खुदा के भवन के लिए देने के लिए, उसने तेरी प्रार्थना को, तेरे मन को देखा और सुना है, और तू देगी और तुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर। ये परमेश्वर ने तेरी बात को, तेरी प्रार्थना को सुना है। मैं देख रहा हूँ एक ऐसी सिस्टर जो खुदा के भवन के लिए उसके पास नहीं है, पर वो इस बात को लेकर कोस रही है, उसके पास नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा और तुझे ब्लेस करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा भी और तुझे आगे लेकर जाऊंगा। और जैसे उन्होंने 8 मई की मीटिंग में इस वर्ड को रिसीव किया और जो धन्यवाद में बने रही, प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर जी मेरे लिए, परमेश्वर अपने अपने दास के द्वारा होकर बोला है, और जैसे जो विश्वास में बने रहे तो परमेश्वर ने भी इनके लिए रास्ते को खोल दिया। इनको इनके गांव से ही मैसेज मिला कि ऐसे लोन है जो कि 30,000 के है और अगर आप करवाना चाहते तो आप जल्दी से आ जाएं। और जैसे इनको मैसेज मिला जी बहुत ही खुश हुए कि जे मेरे लिए और सच में मैं भवन के लिए करना चाहती हूँ। और जैसे इन्होंने उस लोन अप्लाई कर दिया तो वो लोन इनका पास हो गया और इनको 30,000 के जो 2 लोन थे इनको मिल भी गए। और फिर इन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए अपना स्पेशल सीट बोया और परमेश्वर जो बाकी के पैसे बचे थे, फिर उसके बाद इनका जो अपना कोई काम सही तरह से चल नहीं रहा था और फिर इन्होंने अपना कंटीन को ओपन किया और उससे परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के लिए अपने मन को खोला तो परमेश्वर ने इनको और बढ़ाया कि कंटीन को ओपन करने के बाद जी बता रहे कि जी अपना जो दसवांश था जो पूरी तरह से फेथफुली से करते थे, और जैसे जी अपना दसवांश दे रहे थे तो इन्होंने बताया कि परमेश्वर ने इनके और रास्ते को खोला, क्योंकि जो इनका घर है वो 3 साल से 1.5 लाख में गिरवी है, गहने में रखा है, और जिसके कारण जी पहले काफ़ी बोझ में थे, परेशान है क्योंकि इतने पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। और जब बता रहे कि फिर परमेश्वर ने इनके बेटे के द्वारा ही इनको पैसे मिले, क्योंकि
उसके मन को भी परमेश्वर ने चेंज किया, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। तो जो 1.5 लाख था उससे इन्होंने बताया कि फिर 50,000 उन्होंने दे दिए। जब जे देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि बस आपको अभी 1 लाख रुपया ही देना है और बाकी के जो पैसे हैं आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जिस सिस्टर बता रही कि सच में जब इन्होंने भवन के लिए परमेश्वर के अपना मन को खोला तो आज परमेश्वर ने इनको बहुत ही ब्लेस किया। जैसे हमने इस वर्ड को सुना कि परमेश्वर बहुत ब्लेस करेंगे, तो सच में क्लीसिया हमने सुना कि पहले इन्होंने बोया, फिर कंटेन को ओपन किया, फिर परमेश्वर ने और रास्ते को खोला और जो बहुत परेशान थे, 1.5 लाख में इनका घर गिरवी था, उस बोझ से भी परमेश्वर इनको फ्री किया। और आज बता रहे कि परमेश्वर इनको इतना ब्लेस करे कि जो इनके सिर्फ 1 लाख रुपया रह गया है और जो इनको कंटीन से जो अपना काम करे उससे जो पैसे बच रहे वो और भी जो जमा भी करे ताकि जो 1 लाख रुपया जी वो भी दे दें। और इन्हें विश्वास है कि अगर परमेश्वर में इतना ब्लेस किया थे उस बोझ कितने जमा कितनी हो गई जो जमा कर रही हो अपने को। कितना टाइम हो गया आपको कंटीन ओपन किए हुए, आपको जो कंटीन को आपने खोला कितना टाइम हुआ अभी? पापा जी चुनने तो बाद हां चुनना जो तो चलता ना वो तो चुनना चुनना कब चलता ही है कंटी ए है गई सी सेलर वाली सेलर दिया जून से। हां हां जी हां जी तो तब तब आपने ओपन की थी ये खोली थी कंटीन? हां जी पापा पहले मैं अभी कितने महीने होंगे 2 के 3 जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए 5-6 महीने हो गए। अब अपने कितने जमा कर लिए? 35,000। अब सुनो अपना खर्चा निकाल कर अच्छा खा पी कर अपने 35,000 जमा कर लिए। अब 1 लाख का इनके ऊपर कर्ज है क्योंकि 50 तो दे दिया, 35 हो गए जमा। बोलो क्या है पापा जी? मेरी 3 किस्तां चल देंगा वहां। हां सुनो दो देखो 6,000 मेरा वो निकलता है। 6,000 उन्हीं पैसों से उसी काम से आप वो भी निकाल रहे हो कंटीन तो। और फिर उसी कंटीन से ये कंटीन। देखो सुनो अब ध्यान से सुनो, अब जितने ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि हन्ना प्रार्थना कर करके खुदा के भवन में जा जाकर वो रोती थी कि मुझे दे, पर जब तक खुदावन के लिए अपने हृदय को नहीं खोला तब तक उसे नहीं मिला। ये देना चाहते थे पर इनके पास नहीं था। बोलो क्या? पर हर बाइबल में लिखा है कि अंधेरे की गुप्त बात को परमेश्वर रोशनी में प्रकट करता है। अगर उस मीटिंग में खुदावंद ने मेरे मुंह से ये वर्ड, अगर वो ये प्रोफेसी वर्ड इनके लिए ना बोला होता कि एक एक बहन है जिसे मैं देख रहा हूं जो खुदावंद के भवन के लिए, क्योंकि हमने पिछले दिनों में अनाउंस किया था ना भवन के लिए, कितनों को पता है, पर बहुत सारे लोगों ने अपने मन को क्या किया, ऐसे कर लिया। हम तो गरीब हैं, क्या है हम तो गरीब हैं, हमारे पास नहीं है, हम कहां से दे सकते, उन्हें नहीं पता। इसलिए लिखा जो बुद्धि है वो चांदी की प्राप्ति से, सोने से और कुंदन से भी, हीरों से भी अनमोल है। पर जिसके पास है कि अगर परमेश्वर ऐसा बोल रहा है मेरे लिए, क्योंकि आज तक इस मिनिस्ट्री में खुदावंद ने जो भी मेरे मुंह से बोला है कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। तुम हर बात की जो कुछ भी आज तक हुआ है अपने उसके रिजल्ट को देखा है, ऐसा नहीं है कि वचन आया और हवा में है। और जितने लोगों ने भी इस काम के लिए अपने दिल को खोला है मैं घोषणा करता हूं कि वो भी जल्द इसी रीति से अपनी बड़ी ब्लेसिंग की गवाहियों से आएंगे। अब देखो अब लोग गवाही सुनकर उन्हें समझ आ रहा है कि मैंने क्यों अपने मन को ऐसा किया, मैंने क्यों नहीं दिल को खोला, मैंने क्यों नहीं खुदावंद के लिए मैं आगे आई, मैं क्यों नहीं बो पाया। अरे कुछ भी व्यर्थ नहीं है, बाइबल में लिखा जो कुछ तुम करते हो व्यर्थ नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, उसका तुझे फल देता है वो स्वर्ग से। पर जब हम शरीर में होते हैं तो हम कर नहीं पाते, क्या होते हैं? कितने साल से ये आपका घर गिरवी था? 3 साल से। तो इसका आप ब्याज देते हो? ब्याज देते हैं पापा जी, 5-6 महीने देता मैं ब्याज,
जो कोरोना हो गया ना उदो बाद लॉकडाउन लग गया फिर साडा कोई काम कार। कितना व्याज देते थे? 5,000 हर महीने का। हाँ जी हर महीने का। सुनो 1.5 लाख का। 1.5 लाख का आप वो जो घर गिरवी रखा है उसका 5,000 ब्याज देते थे। लॉकडाउन हो गया फिर आपने दिया नहीं, बंद कर दिया। ये 2-3 साल ऐसे निकल गए है ना। एक साल मेरा पापा जी हैगा सी जो उन्हें एक साल का लिखिया सी उन्होंने मैं जे एक साल तो वध हो गया तो मैं तुम्हारा घर जेड़ा मैं तुम्हें निकाल देना। ओ देखो एक साल का लिखा था और उन्होंने कहा कि अगर आपने एक साल तक मेरे पैसे वापस नहीं दिए। कितने पैसे लिए थे आपने? 1.5 लाख। नहीं तो मैं जैसे उस चीज का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हाँ मतलब अगर आपने साल तक हमारे पैसे दे दिए नहीं तो क्या कर देंगे, फिर घर से बाहर निकालेंगे जब तक आप पैसे नहीं दोगे। वसीके से है ना, जिसे स्टाम्प बोलते हैं, समझते हो। ये देखो कितनी सालों से इनके ऊपर बोझ था। बोलो क्या ना, ये खुद काम भी करते थे पहले। आप क्या कंटीन ओपन करने से पहले आप पहले क्या काम करते थे? मैं पापा जी ड्यूटी कर दी हैं, 8,000 रुपया मैंने तनख्वाह दी। पहले आप ड्यूटी करते थे? हाँ जी, तो जेड़ी मेरी किस्त ही एक किस्त मैंने बहुत देनी औखी होंगी सी, जिन्हें मेरे पैसे होंगे मैं विचों ही लाके खा लेंदी हुंदी। ओ देखो पहले की बात है, 8,000 दी मेरी तनख्वाह, मैं इस तरह थोड़ी 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 लिया लिया के कभी किस्त देती कभी कुछ कर दिया कुछ कर दिया। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बोझ कब हल्का होगा। मेरे को पैसा कोई बचता ही नहीं सी, मैं 20-25 साल बाद अज मैं खुशी आई कि मेरे ते वड्डा दिन बहुत खुशी वाला आया कि मैं अज कुछ खर्च कर कर चुकी हूं। परेशान हो जाना कि परमेश्वर अहीं इन्ना तेरे आने जाने की गल, साडे को की गलती हो गई, साडे को गुनाह हो गया, तो परमेश्वर सानू माफ कर दे। अज मैनू परमेश्वर ने माफ करता, मैं जूं दी इत्थे आउण डई आ कलीसिया दे विच, मैं बहुत बरकतां पाईआं, मेरी परमेश्वर सुणदा वा पर मैं उहदी बात नहीं सुणदी। खुदावंद ने मैनू जिन्नियां मेरियां रीझां पूरियां कीतियां परमेश्वर ने मेरियां सारियां कीतियां ने। सुनो जो काम इतने सालों से नहीं हुआ, बोलो क्या था, जो काम इतने सालों से नहीं हुआ खुदावंद के लिए, जब इन्होंने अपने मन को खुदा के भवन के लिए खोला, अपने दिल को खोला, जब हमने अनाउंस किया था, जो लोग सबको बताया था कि परमेश्वर के भवन के लिए, सब तो नहीं आए पर जितने भी आए, बोलो क्या है, सब तो नहीं आए। अब लोगों को समझ आ रही है गवाही कि मैं क्यों नहीं आई, हाँ मैं क्यों नहीं आई, मैं क्यों नहीं होया, मैंने को अपने मन को छोटा किया है, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा तो खुदा राजाओं का क्या है, राजा है, नहीं है राजा, प्रभुओं का प्रभु नहीं है। लिखा वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि तुम क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। अब कैसे धनी होगे अगर आपको समझ नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, तो फिर कैसे धनी होगे, समझ आ रही ना। इसीलिए वचन में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और बोलो क्या करता है, सुनता और क्या करता है, पूरा भी करता है। वो अपना घर कहां पे बनाता है, हाँ तो ये बनाया इन्होंने, रेत पर नहीं बनाया। अब रिजल्ट आपके सामने है, बोलो क्या है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों से उसका व्याज नहीं दिया, बोलो क्या है, जब लोन के लिए गए तो आधार पैन कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, परमेश्वर ने वो रास्ता खोला, हाँ पैसे मिले उससे, परमेश्वर ने सबसे पहले उन पैसों से खुदा का आदर किया। और जो बाकी बचे थे 30-30 हजार का, 60,000 ये दो थे कि एक ही था, दो 30-30 हजार के दो थे, ठीक है। पवन च देख गई, देखो पहला जो लोन लिया था, लोन के पैसे भाई खुदा के लिए, लोन के लोन लेकर पैसे भवन के लिए दिए, और जो बाकी फिर और हुआ उसका 50 दे दिया, कुछ पैसे बचे उसके कंटीन ओपन की। जब खुदा के लिए किया तो खुदा ने रास्ता खोला। पहले भी ये सालों से
अपनी जॉब करते थे, 8,000 रुपया करते थे, पर जो खुदा के लिए कर्म करके परमेश्वर ने रास्ता खोला, इस कंटीन को ओपन किया, अब बता रहे हैं अपने मुंह से सुना कि उस कंटीन से ये कितनी किस्तें देते हैं, कितनी आशीष परमेश्वर दे रहा है। और पहले कुछ भी नहीं बचता था, सारा पैसा 8,000 उस किस्त में, उस किस्त में, अब 35,000 इकट्ठा कर लिया है। अब जल्द वो जो बाकी है, बाकी पैसे कहां, लाख 35,000 लाख, लाख में 35 कम हो गया तो कितना रह गया, पैड। खुदावंद मेरी बहन वो जल्द परमेश्वर उसका भी इंतजाम कर चुका, और इससे पूरी तरह तुझे पूरी तरह से तेरे इस बोझ को हल्का कर चुका है। क्योंकि जो खुदावंद के लिए अपने मन को खोलते हैं वो कभी भी सेम नहीं रहते। मैंने कहा वो सेम नहीं रहते। तारीफ करो जोर से, ना आस रखा दुनिया दे, जोर से ना आस रखा दुनिया दे, ना आस रखा दुनिया दे, ना आस रखा दुनिया दे, ते ना आसरा लहराए। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यसु को लैणा है, जो कुछ चाहिदा मैं यसु को लैणा है। ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते, ते ना आसरा लैणा है। मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यसु को, जो कुछ चाहिदा मैं यसु को लैणा है, मैं यसु को लैणा है, मैं यसु को लैणा है। अब सुनो, जिनके पास करोड़ों हैं बोलो क्या है, वो क्या समझें खुदावंद के प्रेम को। इसलिए बाइबल में लिखा परमेश्वर का राज किनका है, गरीबों का, तुच्छों का, नीचों का, जो कुछ भी नहीं, सबको परमेश्वर ने बुला लिया है। धनी होने के लिए तुम गरीब नहीं हो, तुम धनी हो उसके नाम से, उसके लहू से तुम धनी हो, धनी हो। क्या कहना चाहते हो आप, माइक की आवाज नहीं है भाई। मेरा बेटा गया वा चंडीगढ़ होते ना काम कर दिया वा नाले ना दे जेड़े शूटिंग करते हैं, ओदे नाल बेटियां बेटे आ ते एक बेटी दे उत्ते आ, ओ आंदा मेरी भैण बनी आ, मैनू कहिंदी आ कि मैनू चूड़ा लैके दे। कल मैनू दसण डिया इह कहिंदा कि मैनू आंदी चूड़ा लैके दे, बड़िया दिनां दी कहण डई ते मैं उहनू आख्या कि मैं तैनू चूड़ा तेरा किहड़ा विआह धरिया है, मेरी आंदा भैण बनी मैं उहनू आख्या कि मैं तैनू जदों तेरा विआह होएगा दवांगा लैके, तो आंदा कि मैं बाहर गया कुछ खाने वास्ते लैण वास्ते, ते कुड़ी दे आउंदिआं नू आंदे कि माता जिहड़ी प्रवेश हो गई आण के मैनू कहिंदे आंदा बाल बुल थले खिलार के ते थले पुंजे गोडिआं परने बैठी, ते मैनू आंदी आ भी मैं तेरे को चूड़ा मंगिआ ते तू मैनू चूड़ा नहीं दिता, ते आंदा तू मैं आंदा डर गिआ जदों उहने मेरे वल बड़ा उत्ता उच्चा जिहा मूँह करके वेख्या, ते मैं परमेश्वर घड़ी कल राती कहण डई हाँ ए प्रभु अहीं ते सारे उधर जाण डए तेरे तेरे चरणां च जाण डए, ते आ साडा बेटा किहड़े पासे जाण डिआ वा इह ते तू ही जाणदा वा, वैसे उहदा मन नहीं हैगा ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਚੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे चुके।